हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे क्लास थ्री की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अपनी अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालेंगे सभी बच्चे। आज की डेट लिखेंगे 29 सितंबर 2021, इंग्लिश वर्कशीट नंबर 82। क्लास थ्री की वर्कशीट है तो इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ABCD आपका जो भी सेक्शन है। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों, जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, क्या नाम है उसका? राइट, मैरीगोल्ड। यूनिट थ्री द एनॉर्मस टर्निप स्टोरी से रिलेटेड है ये आपका जो ये वीडियो है, ये जो आपकी वर्कशीट है। ठीक है, इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम। ठीक है, इनॉर्मस टर्निप जो स्टोरी है बेटा, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। 26-27 नंबर से रिलेटेड है आज की आपकी वर्कशीट, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर आपको जो स्टोरी है बहुत मज़ेदार है, तो सभी बच्चे रीड करेंगे और वीडियो ज़रूर देखना उसको समझने के लिए। ठीक है, पेज आप निकाल लेंगे, ठीक है, बुक्स में निकाल लेंगे, अपनी कॉपीज भी, पेज 26-27। ओके, एनॉर्मस मतलब होता है बेटा बहुत बड़ा, टर्निप होता है शलगम, तो इसी से रिलेटेड बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आप सभी पढ़ना ज़रूर। चलिए, गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। बेटा, इस स्टोरी का लिंक मैं आपको कमेंट्स में, सॉरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी, देख लेना आप लोग। लेट अस टॉक अबाउट वेजिटेबल्स टुडे। There are different types of vegetables. Some have leaves, some have seeds. There are vegetables that grow under the ground and have to be pulled out. Can you draw and color any two vegetables that have to be pulled out of the ground? I'm sure you can write their names too. So, good morning सभी बच्चों को। हम आशा करते हैं आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, वेजिटेबल्स के बारे में बात करेंगे, सब्जियों के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि तरह तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, तरह तरह की सब्जियां होती हैं, है ना। सम हैव लीव्स, कुछ पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, कुछ में सीड्स होते हैं। सीड्स क्या होते हैं बेटा? बीज, है ना। आपने देखा है कुछ में बीज होते हैं, कुछ पत्तेदार सब्जियां होती हैं। मुझे दो सब्जियां ऐसी बताएंगे जिसमें बीज होता है, फ्रूट्स नहीं, सब्जियां, ठीक है। और दो ऐसी बताएंगे जिसमें जो पत्तेदार होती हैं, लीव्स वाली होती हैं। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जो कि ज़मीन के नीचे उगती हैं, मतलब वो सॉइल में, मिट्टी में उगती हैं, और उनको बाहर खींच कर निकालना पड़ता है। तो क्या आप भी ऐसे दो वेजिटेबल्स कलर और ड्रॉ कर सकते हैं जो हम ज़मीन, जो ज़मीन के नीचे उगते हैं और उनको खींच कर निकालना पड़ता है? मुझे पता है आप बना देंगे और उनके नाम भी आपको लिखने हैं, ठीक है। तो बेटा, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। पोटैटो होता है, पोटैटो होते हैं मतलब आलू, ठीक है। कैरेट, कैरेट होती है गाजर। रेडिश, रेडिश होती है मूली। टर्निप, जिसके बारे में आपका चैप्टर है, शलगम, ठीक है। जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए हैं, अब इनको आपको इनमें से कोई भी दो क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं, ठीक है। जैसे आलू बना दिया मैंने, ठीक है, एक कैरेट हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, ड्रॉ करना है कोई भी दो। और इनके अलावा आपको कोई और पता है सब्जियां, वेजिटेबल्स जो कि कहाँ उगती हैं, ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के नीचे उगती हैं, वो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट अस रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली।
Once an old man planted turnip seeds that grew and grew. One of them became the enormous turnip. Do you want to know what happened next? To find out, let us read the story, The Enormous Turnip, from your textbook. तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, स्टोरी किस बारे में है। एक बार एक बूढ़े आदमी ने शलगम के बीजों को क्या करा, बोया था, जो कि बढ़ता ही गया, ठीक है। और उनमें से एक जो था वो क्या बन गया, इनॉर्मस टर्निप, जो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो आपको पता है उसके बाद क्या हुआ जब वो टर्निप बड़ा हो गया? इस बात को पता लगाने के लिए आप द इनॉर्मस टर्निप जो मैंने वीडियो बनाकर डाली हुई है वो देखेंगे और अपनी बुक से साथ साथ पढ़ेंगे, ओके। पिक्चर देखेंगे, चैप्टर में से ही है। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर टू। राइट डाउन न्यू वर्ड्स दैट यू हैव रेड फ्रॉम द स्टोरी द इनॉर्मस टर्निप इन योर नोटबुक एंड शेयर देम विद योर टीचर, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, कुछ न्यू वर्ड्स आए थे इस चैप्टर में द इनॉर्मस टर्निप में, ठीक है। आपको पेज नंबर 26 और 27 पढ़ना है, ठीक है, और उसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे एक आपके लिए नया वर्ड है इनॉर्मस, टर्निप, देन पुल्ड, ठीक है, ग्रीव, इनके अलावा आपने और इनमें से कोई नया शब्द पढ़ा है इसमें तो वो क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रेन, Look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the man and the girl in the picture are talking about? Imagine and create their dialogue. Say them out aloud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. चलिए एक बार मैं पिक्चर को आपके लिए जूम कर दिया मैंने, अब इसको सोचो ये दोनों क्या बातें कर सकते हैं। तो हो सकता है ये बच्ची कह रही हो What a great story, Papa. What a great story, Papa. इसके पापा ने इसको कोई शाह हो सकता है, कोई स्टोरी सुनाई हो, तो अभी कह रही है What a great story, Papa. Now I want to sleep. इस लड़की ने बोला बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई अपने पापा, अब मैं सोना चाहती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं All right, good night. My child. तो उसके पापा कहते हैं ठीक है बेटा, गुड नाइट मेरे बच्चे, ओके। अगर आपको लगता है कि कुछ और बात किसी और बारे में बात करें तो बेटा कमेंट्स में बताना, ना ही भूलना, ओके। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखे, आपने देखा अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों को पेड़ों का महत्व समझाते हुए उन्हें पौधे लगाने और संरक्षित रखने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।